नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो खास करके वैसे लोगों के लिए है जो बकरी पालन करना चाहते हैं। बिहार के लिए गॉड गिफ्टेड है ब्लैक बंगाल बकरी, लेकिन आज से पहले थोड़ी सी धारणा मेरी भी बदल गई थी। ऐसा इसलिए दोस्त कि बहुत सारे लोगों ने बताया था कि नहीं, ब्लैक बंगाल से अगर कोई पालन करता है तो सच कहिए तो उसको वो आत्महत्या करने के बराबर है, यानी कि उसका ग्रोथ बढ़िया नहीं होता है, दूध अच्छा नहीं देती है। भले वो बच्चे देने में माहिर है, अच्छी खासी बच्चे देती है, लेकिन दूध और ग्रोथ उसका बढ़िया नहीं है। लेकिन आज मैं जब यहाँ पर आया स्वास्तिक फाउंडेशन में, इससे पहले भी यहाँ पर आया था और विपिन सर का बहुत सारा वीडियो भी मैंने बनाया था इनके साथ, तो यहाँ पर आया तो मैं चकित रह गया। इतना बढ़िया ग्रोथ, इतना बढ़िया हाइट देख करके मैं दंग रह गया। और सर से जब पूछा तो बोले कि नहीं, बिल्कुल ये हमारा विरासत है और हमने इसको तैयार किया है, और वास्तव में अगर सही तरीके से देख रेख किया जाए, ब्रीड की सही तरीके से देखभाल की जाए, तो निश्चित इसमें लाभ कमाया जा सकता है और किसी भी दूसरे ब्रीड से ये कमतर इसको नहीं आका जा सकता है। तो सर, बहुत सारी बातें होंगी जो इस विषय में मैं सर से पूछूंगा, तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, और सभी दर्शकों का हमारा सबसे स्वागत भी है। ये सर, आपके पास जो ब्लैक बंगाल है, हमारी भी धारणा आपने बदल के रख दी है, ऐसा कैसे आप संभव है, कैसे आप कर पाए? देखिए, यह तो सदियों से है, बस हम लोगों ने इसको पहचानने में थोड़ी भूल कर दी थी। सारे बकरियों में ब्लैक बंगाल सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। जितनी भी बकरियां हैं, बकरी का नाम आती है तो ब्लैक बंगाल का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इसका मांस है जो उत्पाद है वो इससे बढ़िया तो किसी का है ही नहीं है। ये हमारे यहाँ नहीं, काफ़ी बड़े बड़े दूसरे जगह के लोग, जैसे मान लीजिए सिरोही वाले, राजस्थान के लोग भी कहते हैं कि भाई हमको कुछ ब्लैक बंगाल चाहिए। उन लोगों को भी मैं ब्लैक बंगाल दिया हूँ। अभी मैं तकरीबन राजस्थान में 5 फार्मर्स को मैं ब्लैक बंगाल दिया हूँ कि आप हमारे यहाँ से ले जाइए, वो पालन करिए, और वहाँ पर वो पालन करके वो बड़े खुश हैं। और हमारे यहाँ भी अब देख लीजिए, हमारे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए। बिल्कुल, मैं भी देख कर दंग हूँ सर। यहाँ के जो ब्लैक बंगाल आपकी जो ब्रीड है जी, मैं देख कर खुद दंग हूँ। बस ब्लैक बंगाल हमारे यहाँ उपेक्षित रहा है शुरू से, सदियों से इसको लोग उपेक्षित करके रखे हैं। और थोड़ी सी खूबसूरती के पीछे, बर्बरी हो, सिरोही है, जमुनापारी, इसके पीछे लोग भाग गए। लेकिन हमारे यहाँ जो आपने कहा कि गॉड गिफ्टेड, तो वास्तव में ये गॉड गिफ्टेड है, ये हमारा विरासत है। इसको हम भूलकर दूसरे जगह जा रहे हैं, यानी कि धरती को छोड़कर हम जा रहे हैं, तो हमारी वही गति होगी जो औरों के साथ होती है। तो सर, एक सवाल है सर कि ऐसे तो कहा जाता है कि 6 महीने में बकरी बच्चा देने के काबिल हो जाती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी निकलता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हमारे दर्शक भी जानते हैं इस बात को। तो एक एक्चुअल जो उम्र होनी चाहिए, वास्तविक जो उम्र होनी चाहिए गर्भधारण की बकरी की, वो क्या होनी चाहिए? नीरज जी, हमारे यहाँ जो बकरी पालन हो रहा है, और ख़ास करके ब्लैक बंगाल में, लोग वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कभी नहीं किए हैं और कर भी नहीं रहे हैं अभी तक। उसमें थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। होता क्या है कि गाँव में जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं ब्लैक बंगाल नस्ल की, उसकी जो पठिया हुई, उस पठिया को 6 से 8 महीने में वो लोग प्रजनन करा देते हैं। जैसे ही वो हिट में आई, गांव के किसी बकरे से उसको प्रजनन करा दिया गया। इसके कारण हमारा जो बकरी का जो नस्ल है वो आगे बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ पाता है। वो 1 या 2 ब्यात के बाद हमारी बकरियाँ नष्ट हो जाती है। इसका सही मायने में देखिए तो 1 साल के बाद यदि वो प्रजनन कराएं ब्लैक बंगाल के बकरियों को भी, तो उसकी लास्टिंग अधिक होगी, वो अधिक दिनों तक और अधिक उत्पादन, उसका दूध का भी उत्पादन अच्छा होगा। हमारे यहाँ लोग का धारणा है कि ब्लैक बंगाल में दूध कम होती है। मेरी भी से धारणा है। तो दूध कम होती है, तो अब हमारा जब पेड़ तैयार ही नहीं हुआ है, अब उससे हम फल ले लेंगे तो उत्पादन में तो होगा, सब उत्पादन तो होगा, लेकिन उसमें जितना गुदा चाहिए, जितना माल चाहिए, वो नहीं आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा शुरू में इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको परिपक्वता की ओर बढ़ने देना होगा। 12 से 14 महीने की उम्र पर इसको पहली बार आप प्रजनन कराएं, 90% आपका गौट बेहतर होगा, अच्छा होगा, उत्पादन भी उसका आपके अनुकूल निकलेगा। वो कोई बकरी पालन किया ब्लैक बंगाल से, 5 बकरी से, अगर बाई दबे, अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है, शुरुआत किया 5 बकरी से, 5 पर मैं लेकर चलता हूँ, सबसे मिनिमम लेकर चलता हूँ मैं, तो 5 बकरी से लगभग उसको सालाना कितनी इनकम हो सकती है, ये थोड़ा एक गणित इसका एक बता दीजिए। इसका गणित सबसे पहले शुरुआत से मैं बताता हूँ। कोई व्यक्ति 5 बकरी रखना चाहे, उनसे मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि जब भी वो बकरियों का चुनाव करें तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल से कम नहीं हो।
मेरा तात्पर्य है कि जब 2 साल की बकरी जब हो, जब उसे इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि किसान 5 बकरी लेकर आता है तो 1 साल में 1 बकरी से कम 4 से 5 बच्चे वो जरूर निकालेंगे 2 बार में, कभी 3 देगी कभी 2 देगी। 25 बच्चे ऑन एवरेज उनको साल में आएगा, हो सकता है उनकी केयर अच्छी से नहीं हो लेकिन फिर भी 20 बच्चे उनके पास उपलब्ध होंगे, हो जाएंगे सालाना 20 बच्चे का वो कारोबार कर सकते हैं 5 बकरी से। बकरी के बच्चों को कम से कम वो 8 से 9 महीना पाल लें तो 14 से 16 किलो वजन आ जाएंगे। बकरी मजबूत है, बकरी 2 साल की है, मतलब पूर्ण रूप से प्रौढ़ है बकरी, उसके बच्चे भी हष्ट पुष्ट आएंगे, बकरी का दूध भी उत्पादन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे ग्रोथ भी लेंगे। 9 महीना वो पाल लेते हैं तो 1 बच्चा उनका कम से कम 5,000 से कम कीमत का गाँव में नहीं बिकना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 बकरी से जो 20 बच्चे आएंगे, जिसको 8-9 महीना, इसमें 1.5 साल का समय लगेगा उनको, वो 1 लाख तक के बिक्री होगा, जिसमें उनको 20 से 25 हज़ार रुपये उनको खिलाने रखने पर खर्च भी आएगा, फिर भी 70,000 रुपये उनको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 70,000 की इनकम हो सकती है, बिल्कुल आ जाएगा। परिपक्व बकरी आप लीजिए, हमारे पास आप देख लीजिए, हमारी जो बकरियां अभी 2-2 बच्चे दिए, उसके बच्चे भी संग में हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, वो 10 किलो वजन पकड़ लिए। एक और सर सवाल है कि बहुत सारे लोगों की धारणा होती है क्या कि जो ब्लैक बंगाल है चराई की बकरी है, स्टॉल फीड पर वो जल्दी सेट नहीं हो पाती। यही तो अभी मैं बताया आपको कि शुरुआत में अब छोटे बच्चे को हमने माँ से अलग करके ले आया तो उसको तो धीरे धीरे लोग, क्योंकि जिस परिवेश में वो पला है उसी परिवेश में उसको रखना है। जब बकरी 2 साल अपने 1 या 2 बार बच्चे को जन्म कर देती है तो बकरी को आप स्टॉल फीड पर रखें, चारागाह पर रखें, वो हर चीज़ पर मानने के लिए तैयार हो जाती है। छोटा बच्चा में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उनके बच्चे जब उनके संग में रहते हैं तो जो माँ खा रही है वो बच्चे खा लेते हैं, तो बड़ी बकरी को स्टॉल फीड पर लाना आसान है और उसके उत्पादन को अपने तरह से ढाल लेना वो ज़्यादा आसान है। तो किसान यह काम करें, उनको यह समस्या नहीं आएगी कि स्टॉल फीड पर नहीं, स्टॉल फीड पर रहेगी बकरी, इस विधि के अनुसार रखिए। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी, यानी कि इसका एक ही निचोड़ निकला कि सब्र का फल मीठा होता है। और ये जो बिजनेस है गोट फार्मिंग का बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए सब्र सर्वे सर्वा है, अगर सब्र नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जी हाँ, अभी जो हमारे किसान भाई बंधु जो भी बकरी पालन कर रहे हों उनसे मैं यह आग्रह करूँगा कि चाहे किसी भी नस्ल की बकरियों को पालन करते हों, कम उम्र के बकरियों में पाठियों को प्रजनन न कराएं, उसको प्रजनन का समय कम से कम 1 साल बाद ही कराएं, हो सके तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे पहले कराएंगे प्रजनन तो कर लेगी बकरी, उत्पादन भी आएगा आपको, जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसका लास्टिंग कम होगा, इससे थोड़ा परहेज करने की ज़रूरत है। एक और सब सवाल है, भोजन में इसको क्या दिया देना चाहिए? भोजन में प्रोटीन, वसा, खनिज मिश्रण की कॉम्बिनेशन में इसको डाइट होता है, जो राशन तैयार करते हैं तो राशन 200 ग्राम से 250 ग्राम तक बकरियों को प्रतिदिन मिलना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको भोजन के बारे में बताया भी था एक दोहे के माध्यम से। जी, इसके अलावे बकरी को सूखा चारा और कुछ हरा चारा हो सके तो उपलब्ध कराएं, नहीं है तो उसमें खनिज लवण मिलाकर सूखे चारा पर भी आप पालन कर सकते हैं, कुछ पेड़ के पत्ते वगैरह मिल जाए। और ऐसे भी शहर हो या गाँव हो, हरा चारा का बहुत से सोर्स हैं, पेड़ के पत्ते हैं, घास है, बरसाती घास भी है, यहाँ तक कि साग सब्जी का वेस्टेज वह भी हरा चारे में ही गिनती में आते हैं। आप उनको भी कहीं से उपाय करके ले आएँ, थोड़ा सा इनको दें, कभी कभी सप्ताह में 1 या 2 दिन भी दे दें ताकि इनको भी बैलेंस बना रहे। सर मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे अगल बगल ही बहुत सारे ब्लैक बंगाल बकरियाँ हैं, लेकिन जो बकरी का ग्रोथ यहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर नहीं हो पाता है, क्या वजह, क्या समस्या आती है उन लोगों के पास? ग्रामीण परिवेश में देखिए, अब हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं यहाँ पर, अब शुरू करने जा रहा हूँ मैं, शुरू हो भी चुका है आप देख रहे हैं, महीना में मेरा 1 दिन का कार्यक्रम होता है। जो बकरी पालक है उनको प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। होता क्या है कि बकरी को जो घास चरती है तो इसके पेट में बर्म्स आ जाते हैं, बहुत से कीड़े होते हैं, कृमिनाशक दवा का उपयोग करते रहने से ब्लैक बंगाल में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। ब्लैक बंगाल सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है बर्म्स का,
बर्फ का शिकार ये सबसे ज्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ये घास चरती है और नीचे के सामान को बहुत जल्दी ये चूकती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है और ग्रामीण परिवेश में इसको लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। उनकी बकरियां सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी अच्छा ग्रोथ अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते हैं, उसका पीछे सबसे बड़ा ये कारण है कि वो बकरियों को सही समय पर डिवर्मिंग नहीं करते हैं। यदि सच समय उसको डिवर्मिंग कर दिया जाए और थोड़ी सी इसको वैक्सीनेशन कर दें, थोड़ी सी वैज्ञानिक विधि लगाकर उसको खनिज मिश्रण बीच में दाना थोड़ा खिला दें तो इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगा और अच्छा होगा, जानवर तंदुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त जानवर का कीमत भी उनको अधिक मिलेगा। ये किसान को करना चाहिए, इसकी जानकारी उनको रखना चाहिए। बिल्कुल जरूर, बहुत ही सच्ची बात आपने बताई, बिल्कुल फैक्ट बात बताई और एक बार केवल बात आपने बताई और निश्चित है हमारे दर्शक इसका लाभ जरूर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हथियार है आपका पेशेंस, चाहिए ही चाहिए। ऐसे भी सर ने आपको बताया था और बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बनाया है उसमें भी बताया गया है कि ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, कम से कम 2 से 3 साल आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही जो सर ने बताया, जिस पेशेंस की बात सर ने बताई, इसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और सर्वे सर्वा है, अगर बिहार के हैं आप तो ब्लैक बंगाल से बेस्ट कोई बकरी प्रजाति नहीं है पालन करने के लिए। हर तरह का बेहतर ग्रोथ इसमें भी होता है, बेहतर बच्चे भी देती है और दूध भी अच्छा खासा हो जाता है। तो दोस्त आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला है निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो इस तरह के अपडेट और भी आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।